जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन की सैर कराने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन को एक साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, दर्शन करने के लिए कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा से रिलेटेड ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। यहां तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहां तक के लिए बस फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी, या आप अपनी खुद की कार से भी यहां तक आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको कार पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाएंगी। बात करें फ्लाइट की, यहां का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है जो यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मथुरा या वृंदावन तक आ जाएंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको मथुरा या वृंदावन में पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे वृंदावन। वृंदावन में दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग मथुरा को कवर करेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे इस 9 किलोमीटर दूरी के लिए 20 से 30 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आपकी ट्रेन रात में मथुरा पहुंचती है तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए और सुबह 5 से 6 बजे ही वृंदावन आइए, क्योंकि अगर आप रात में वृंदावन आते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ बंद मिलेगा। ना आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला मिलेंगे, ना ही आपको कोई भी दुकानें खुली मिलेंगी। तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं श्री पावन धाम वृंदावन, और अब हम लोग बात करते हैं रुकने की। आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों आप श्री बांके बिहारी मंदिर साइड रुक सकते हैं, या आप चाहें तो प्रेम मंदिर साइड में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दोनों ही साइड आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर की रेंज में होटल या धर्मशाला ले लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं होटल्स 800 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1200 से 1500 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा सा होटल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप संडे सैटरडे किसी फेस्टिवल, होली दिवाली, जन्माष्टमी या फिर आप किसी भी हॉलीडेज पर यहां पर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही ऑनलाइन रूम बुक कर लें, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो हो सकता है कि आपको सभी होटल्स फुल मिले। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों अगर आप सुबह 8 से 9 बजे तक वृंदावन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप बांके बिहारी मंदिर साइड दर्शन कर लीजिए, और शाम को हम लोग प्रेम मंदिर साइड के सभी मंदिरों को कवर करेंगे, क्योंकि शाम को लाइट्स में इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों वृंदावन में सभी मंदिरों के खुलने और बंद होने की फिक्स टाइमिंग है। मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं और लगभग 1 बजे बंद हो जाते हैं, और फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात में 8 बजे मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको यहां पर टाइमिंग का विशेष ध्यान देना रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। पूरे रास्ते मार्केट बनी हुई है, आप यहां से फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। सामने ही आपको श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत और प्यारे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर आपके नेत्र भर आएंगे। बांके बिहारी जी की बहुत ही प्यारी और मनमोहक छवि है, इसको देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दरबार है, आप यहां पर दर्शन करने जरूर आइए। श्री बांके बिहारी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वृंदावन के और प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने। दोस्तों ऐसे तो वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा अधिक मंदिर हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख मंदिर हैं हम लोग उन सभी में दर्शन करेंगे। तो बांके बिहारी मार्ग पर ही मार्केट के एकदम लास्ट में श्री राधा बल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम लोग चलेंगे श्री राधा बल्लभ जी के दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर भी वृंदावन का बहुत ही अलौकिक और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप राधा बल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे।
आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ऐसे तो आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कुंज गलियों से होते हुए दूसरे मंदिर तक पहुंचिए, क्योंकि इनकी दूरी 100 से 200 मीटर ही रहती है। तो कुंज गलियों से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं राधा दामोदर मंदिर के पास में। मंदिर में प्रवेश कर राधा रानी और दामोदर जी के बहुत ही प्यारे से दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप भक्ति भाव में जरूर झूमिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्थान पर, जो है सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहते हैं। निकुंज वन निधि वन का छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निधि वन। दोस्तों निधि वन भी अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है आज भी भगवान श्री कृष्ण रात में यहाँ पर मुरली बजाने आते हैं और साथ ही साथ 16,000 गोपियों के साथ में रास भी रचाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों निधिवन बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। निधिवन के पास में ही शाहजी मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर भी बहुत ही विशाल और प्यारी शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के प्यारे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो शाहजी मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों ये मंदिर भी वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कालीदेह घाट, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारी प्यारी नाव में बैठकर बहुत से लोग नौका विहार करते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर के पास में। इस मंदिर को टीले वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर ऊपर टीले पर स्थापित है। दोस्तों बहुत ही प्राचीन और अलौकिक शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर मदन मोहन जी के प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप अपने लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों अगर आप सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आप बहुत ही आराम से 1 बजे तक सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे बांके बिहारी मार्ग पर। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही फेमस दुकानें हैं। आप यहाँ पर वृंदावन की बहुत ही फेमस मुकेश की लस्सी को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप देसी घी में बनी टिक्की का भी मजा ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं, वृंदावन में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर साइट के सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी चौराहे से आपको ऑटो मिल जाएंगे 30 से 40 रुपए का किराया देकर। सबसे पहले हम लोग चलेंगे वैष्णो देवी धाम में माता रानी के दर्शन करने। दोस्तों बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर माता रानी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गुफाओं का स्वरूप दिया गया है। मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों विशाल प्रतिमा के नीचे बहुत ही बड़ा सा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर माता रानी का बहुत ही अद्भुत और प्यारा सा मंदिर भी स्थापित है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले मंदिर प्रेकांतुजू मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये भी बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। वृंदावन आने वाले सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। लाइट्स में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लाइट्स में ये मंदिर और भी ज्यादा प्यारा लगता है। प्रेम मंदिर में बहुत सी झांकियां भी बनी हुई हैं। आप यहाँ पर कृष्ण कन्हैया को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते देख सकते हैं। यहाँ पर शाम को फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा कान्हा जी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं, इसका दृश्य देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर है, शाम को आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। शाम को यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर में घूमने और दर्शन करने के बाद में
अब हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के बहुत ही प्यारे से स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर जरूर झूमें, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग रात में अपने रूम पर आकर आराम करेंगे। अगर इनमें से आपके कोई भी मंदिर छूट जाते हैं, अगली सुबह आप इनमें दर्शन भी कर सकते हैं। लगभग 9 से 10 बजे अब हम लोग चलेंगे मथुरा और मथुरा के सभी स्थानों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों सबसे अच्छा रहता है आप वृंदावन से ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपको मथुरा के सभी स्थानों पर दर्शन कराने के बाद में आप जहां भी कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। ऑटो वाले पूरे दिन के लिए लगभग 700 से 800 रुपए का चार्ज करते हैं। वृंदावन से मथुरा जाते समय रास्ते में बहुत ही प्रसिद्ध कांच मंदिर भी पड़ता है। आप यहां पर रुककर दर्शन जरूर करें। छोटे छोटे कांचों के टुकड़ों से बहुत ही प्यारे तरीके से मंदिर को बनाया और सजाया गया है। आप यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां से कुछ ही दूरी पर पागल बाबा मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में बना हुआ है, जिसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही साथ इस प्रांगण में भोले बाबा और माता रानी जी के भी मंदिर हैं, आप यहां पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहां से मथुरा रोड पर ही 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर बिरला मंदिर भी स्थापित है। बहुत ही भव्य शैली में प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ आसपास के नज़ारे आपका दिल चीत लेंगे। मंदिर में प्रवेश कर आप भगवान जी के दर्शन करिए। साथ ही साथ आप यहां पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो यहां पर कुछ समय बिताने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे मथुरा सिटी में और अब हम लोग चलेंगे मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही भव्य दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर दर्शन करने से आपको नई ऊर्जाएं मिलती हैं। लाइन में लगकर द्वारिकाधीश जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। जिस तरह से मंदिर बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों से बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को भी खुशियों के रंगों से जरूर भरेंगे। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है, आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विश्राम घाट। मंदिर के सामने से ही विश्राम घाट के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विश्राम करने आए थे, तभी यमुना नदी के किनारे बने इस घाट का नाम विश्राम घाट है। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन और विशेष मान्यताओं वाला घाट है। यहाँ पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे अगर आप कुछ पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूजा पाठ भी करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप माँ यमुना के पावन जल में नौका विहार भी कर सकते हैं। नाव वाले आपसे 200 से 300 रुपए का चार्ज करते हैं। साथ ही साथ आपको विश्राम घाट और यहाँ से जुड़ी सभी मान्यताओं और कहानियों को भी बताते हैं। आपको नौका विहार कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर कंस टीला भी स्थित है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर टीले पर आ जाएंगे। यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस किले से आपको यमुना नदी और पूरे ही मथुरा के बहुत ही प्यारे से दर्शन मिलेंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। तो इन सभी स्थानों पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मथुरा के सबसे प्रमुख स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ऐसे तो आप यहां पर दिन में भी दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहां पर शाम को दर्शन करने आइए। ऐसे तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन लाइट्स में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, बैग, जूता चप्पल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। यहाँ पर लॉकर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करने के बाद में रसीद प्राप्त कर सकते हैं। लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद में मुख्य द्वार से प्रवेश कर आप अंदर आ जाएंगे। दोस्तों बहुत ही दिव्य और भव्य प्रांगण बना हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ पर 7 से 8 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहें और अब हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कारागार के स्वरूप में आज भी ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन कर खुशी से आपके नेत्र भर आएंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग और ऊपर आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की बहुत ही विशाल छवि स्थापित है। आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करें, साथ ही साथ कुछ समय आप यहाँ पर जरूर बैठिए, आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्यारे से मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आकर लॉकर से अपना सारा सामान ले लेंगे।
तो इन सभी स्थानों को कवर करने के बाद में आप अगर चाहें रात वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। वहीं आप अगर यहां पर रुकना चाहते हैं तो मंदिर के सामने ही आपको बहुत से धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे, आप यहां पर स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे ही साल ही मथुरा और वृंदावन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, स्पेशली संडे सैटरडे हॉलीडेज फेस्टिवल जैसे होली दिवाली जन्माष्टमी रक्षाबंधन, इस टाइम पर तो यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। वहीं अगर आप कम भीड़ भाड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों प्लेसेस को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पर बहुत ही वीआईपी होटल ले सकते हैं, साथ ही साथ आप टैक्सी के माध्यम से पूरे ही यात्रा को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मथुरा और वृंदावन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत।